Hey everyone, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with a new video. So in this video, we are going to learn the solutions of chapter 4, pronouns. So let's start our video. ये देखिए, ये है chapter 4, pronouns. और let's begin exercise है. तो चलिए नीचे देखते हैं. इसमें जो है, नीचे क्या दिया गया है हमारे exercise में. इसमें है, read the sentences and fill in with correct pronouns. फॉर्म द ब्रैकेट्स. अब इसमें जो है हो जाएगा, तीन है इसमें जो है, इसमें होगा शी फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में होगा हर, थर्ड वाले में है इट, और फोर में होगा यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे यू होगा और यहाँ पे आई होगा. तो यहाँ पे आप चाहे देखिए, यहाँ पे कर सकते हैं आई, ठीक है ना. तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे जो है आई होगा, यहाँ से यहाँ से. और इसमें जो है आपको दिया जाएगा फाइव में, फाइव में होगा वी, यहाँ पे रहेगा वी. ये है एक्सरसाइज नंबर 2-1. फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोनाउंस फॉर द नाउंस गिवन इन ब्रैकेट. जो यहाँ पे दिए गए हैं नाउन, इनके लिए हमको पर्सनल प्रोनाउन देना है. क्लारा एंड आई, तो हो जाएगा वी. रमेश ही, एंड माला शी, एंड रिया एंड सुरेश दे. द कैट इट, द वेदर इट, द बॉक्सेस दे. एंड यहाँ पे हो जाएगा द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, किससे बात कर रहे हैं, तो हम उसको एड्रेस करते हैं यू. और यहाँ पे हो जाएगा आई एम है, तो इसके साथ आएगा आई. एंड राधा गर्ल है, तो हो जाएगा शी. ये है देखिए सेकंड वाला, चूज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट बेस्ट कम्प्लीट द सेंटेंसेस. तो इसमें ए वाले में हो जाएगा दोज, और बी वाले में होगा दीज, एंड सी में होगा दीज, एंड डी में भी रहेगा दोज, ई में होगा दोज, एंड एफ में होगा दीज. ये देखिए, ये है एक्सरसाइज नंबर 3. इसमें राइट द करेक्ट पॉसेसिव प्रोनाउन फॉर ईच सेंटेंस. हमको पॉसेसिव प्रोनाउन लिखना है. तो इसमें हो जाएगा, अभी दिस हाउस इज हर्स भी हो सकता है, हिज भी हो सकता है ना, क्योंकि कज़िन में दोनों आते हैं. अब वो डिपेंड करता है, वो मेल है कि फीमेल है. अगर फीमेल है तो हर्स कहा जाएगा, मेल है तो हिज कहा जाएगा. और बी वाले में रहेगा देयर्स, देम है तो यहाँ पे हो जाएगा देयर्स. और क्योंकि माया के लिए बात हो रही है, तो ये हो जाएगा हर्स, माया से क्लियर है, वो गर्ल है. और यहाँ पे मोटर बाइक की बात हो रही, किससे हो रही है, दिस मोटर बाइक बिलोंग्स टू माई फादर, फादर की बात हो रही है, फादर की है, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज, क्योंकि फादर मेल है. तो ये जो नाउन दिया गया, इसी के जेंडर के अकॉर्डिंग हमको इसको भरना है. और बिलोंग टू मी, तो ये हो जाएगा माइन, एंड अस का हो जाएगा आर्स. यहाँ पे कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद एन इंडिफिनिट प्रोनाउन. सो इसमें है एवरीवन हो जाएगा, और इसमें जो है बी में समवन, सी में नो वन, और डी में रहेगा एवरीबॉडी, एंड ई में एनी बडी, एंड एफ में चाहे आप एनी वन कर लीजिए, चाहे सम वन कर लीजिए. तो इस तरह से ये हो जाएगा. जैसे ये हो सकता है, विल एनी वन ब्रिंग मी सम फूड. इसे एक से बात कर रहे हैं तो एनी वन कह दिया. अगर आप जो है कई लोग, दो चार लोग बैठे हैं, तो उनमें से पूछ रहे हैं कि आप क्या, आप लोगों में से, तो इस तरह से हो जाएगा विल सम वन ब्रिंग मी सम फूड. और इसमें है एड ए सूटेबल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. तो प्रोनाउन जो है इसमें रहेगा who, which, what, who, whom, what, and इसमें हो जाएगा जी वाले में whose. इसमें है सिक्स में fill in each of the blanks with a suitable reflexive pronoun. तो यहाँ पे देखिए, इसमें I के साथ रहेगा reflexive भरना है, तो I के साथ रहेगा myself, and they के होगा themselves, and puppy है तो होगा itself, and Bella and स्टेला, अब ये गर्ल्स हैं दो, तो यहाँ पे रहेगा देमसेल्व्स. एंड प्रकाश एंड यू योरसेल्व्स, क्योंकि दोनों प्लूरल में है ना यहाँ पे, इसलिए हो जाएगा योरसेल्व्स. अगर ये एक होता तो यहाँ पे होता योरसेल्फ होता. और यहाँ पे हो जाएगा हिमसेल्फ, ल्यूक बॉय है तो हिमसेल्फ. एंड आई का होगा माईसेल्फ, एंड डोंट डिसेव योर सेल्फ. अब देखिए यहाँ पे अपने आप को, एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे सेल्फ हो गया, यहाँ पे दो हैं तो यहाँ पे सेल्फ्स लग गया है. और यहाँ पे दे प्लूरल है, तो इसलिए हो जाएगा देमसेल्फ्स.
एंड आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछो, आस्क योर सेल्फ। यहाँ पे इसमें देखिए सेवन में फिल इन द ब्लैंक्स विद ईच अदर और वन अनदर, तो इसमें है वी ट्रस्ट ईच अदर होगा, और इसमें हो जाएगा बी वाले में स्टूडेंट्स गेट ऑन वेल विद वन अनदर, और इसमें हो जाएगा दे मिस्ड ईच अदर वाइल ऑन वेकेशन, और इसमें हो जाएगा एना एंड निकोल चैटेड विद ईच अदर, और इसमें हो जाएगा निक एंड रॉबर्ट ऑलवेज स्टैंड बाय ईच अदर एंड दे वर बोथ लुकिंग फॉर वन अनदर। ये देखिए ये है एक्सरसाइज नंबर 8, तो इसमें क्या करना है एम्फेटिक प्रोनाउन आपको भरना है, तो शी जो है हरसेल्फ हो जाएगा, दे का देमसेल्फ्स, आई का होगा माई, बॉय है हिमसेल्फ, वी का आरसेल्फ्स, ही हिमसेल्फ, एंड बिल्डिंग है इट्सेल्फ, किंग हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ। अब टीचर, टीचर पे डिपेंड करता है वो ही है या शी है, मीन्स मेल टीचर है फीमेल टीचर है, तो इसमें जो है अगर वो आप जिस जेंडर में है वो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर सर हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं हिमसेल्फ द टीचर हिमसेल्फ, अगर मैम है तो आप कहेंगे द टीचर हरसेल्फ। चलिए देखिए यहाँ पे है एक्सरसाइज नंबर 9 पे आ जाइए, आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेल देयर टाइप्स, तो अंडरलाइन करना है और वो कौन से प्रोनाउन है ये बताना है, तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपकी टीचर जैसे कहें फुल में लिखना है तो आप फुल में लिखिएगा, मेंशन करिएगा। तो ही एंड आई ये जो हैं पर्सनल प्रोनाउंस हैं, दे पर्सनल प्रोनाउन, पीपी मतलब पर्सनल प्रोनाउन, और इसमें जो है थर्ड वाले में मी पर्सनल प्रोनाउन, नेदर है ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डी से मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पे है, और इसमें जो है दिस है डेमोन्स्ट्रेटिव, फुल नहीं लिखा हाफ लिखा है क्योंकि बुक बहुत गंदी हो जाती है ना, तो आप जो है आपको टीचर को दिखाना होगा तो पूरा लिखिएगा, दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दे पर्सनल प्रोनाउन, देमसेल्व्स एम्फेटिक प्रोनाउन है, और इसमें योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यू देम ये है पर्सनल प्रोनाउन, और जी में योर सेल्फ ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और यच में होगा यू एंड मी दोनों पर्सनल प्रोनाउन है, माइन पॉसेसिव प्रोनाउन, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव, एंड दोज यहाँ भी है तो ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव है, और देम सेल्फ्स ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये है फिल इन ईच ब्लैंक विद करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो द सेंटेंसेस, तो सेंटेंस हैं और ये ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है और फिल करना है, तो ए वाले में होगा हर्स, शी बॉट हर्स, और बी वाले में होगा आई का है तो ये होगा देम से देयर, देम ऑन देयर ओन, और यहाँ पे जो द सी वाला है इसमें विच है, विच आर द थिंग्स, यहाँ पे हो जाएगा इसमें डी में होगा थर्ड वाला योर्स, ई में है सेकेंड अस, एफ में फोर्थ देयर्स, जी में है सेकेंड हर्सेल्फ, एच में थर्ड व्हाट, एंड आई में थर्ड है हिज, एंड जे में रहेगा फर्स्ट वन योर्स। एक्सरसाइज नंबर 11 है, तो इसमें भी है चूज द करेक्ट पेयर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद इट्स प्रोनाउन टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो हमको पेयर में यहाँ पे जो है आंसर्स दिए गए क्योंकि दो दो यहाँ पे पेयर में ब्लैंक्स हैं, उसी तरह से पेयर में आंसर्स भी हैं, तो फर्स्ट वाले में होगा फोर्थ वाला इसका, और बी वाले में होगा इसका राइट पेयर है फोर्थ वन, और सी में है इसका राइट पेयर है सेकंड, एंड डी में है राइट पेयर सेकंड, ई में है राइट पेयर थर्ड, एफ में है राइट पेयर फर्स्ट, इसमें जो है जी है, जी में होगा राइट पेयर सेकंड वाला, एच में राइट पेयर थर्ड वाला, और ये देखिए ये है एक्सरसाइज नंबर 12, तो इसमें एरर फाइंड आउट करने हैं, करेक्शन यहाँ लिखना है, फर्स्ट में है इसका एरर है देर, तो इसका राइट वन होगा आर, और बी में है ही तो इसका राइट वन है शी हो जाएगा, और सी में है ही तो यहाँ पे राइट आंसर है दी। ये देखिए ये है 12 1, तो 12 का एरर है, एरर यहाँ पे लिखना है और करेक्शन यहाँ है, तो इसमें है ये देर एरर है इसका हो जाएगा आर, ही एरर है शी, यहाँ पे ही है तो इसका होगा दे, और आर है देर, आर आर्स, यू
योर्स, एंड यहाँ पे वी है तो अर्स है, माई है तो माइन हो जाएगा। तो होप वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ बिना लाइक किए वीडियो को मत जाइएगा, और जो नीडी हैं उनको जो है, आपके फ्रेंड्स जिनको इसकी ज़रूरत हो तो उन्हें जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।